एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है एंड ये रिक्वेस्टेड भी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक परफेक्ट इंडियन डिनर मेन्यू जो मैंने रिसेंटली बनाया था अपने गेस्ट के लिए जब वो घर आए थे। ये डिनर मेन्यू बहुत ही अच्छा, मज़ेदार है, सिंपल है रिक्रिएट करने के लिए एंड आप सारी रेसिपीज रिक्रिएट कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग द लंच टाइम, अगर आप किसी को लंच पे इनवाइट कर रहे हैं तो। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है। और मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है, ना कि मैंने सिर्फ कुकिंग की है, हर एक पॉइंट को मैंने रिकॉर्ड किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बनाया है मैंने आज। सबसे पहले हम अपनी गेस्ट लिस्ट तैयार कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं। बेस्ड ऑन दैट हम एक एक्सटेंसिव मेन्यू प्लान करेंगे। और मेन्यू प्लान करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किड्स फ्रेंडली भी होना चाहिए मेन्यू, अगर बच्चे भी ये पार्टी में आने वाले हैं तो। तो आज के मेन्यू में मैंने रखा है मलाई पनीर, बेसन वाले आलू, शाही पुलाव, अजवाइन पराठा, बूंदी का रायता, लच्छा, मीठे में मैं बनाऊँगी खीर और चटनी। तो ये देखिए मेन्यू तैयार हो गया है और अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्री प्रेपरेशंस अ डे बिफोर। सबसे पहले मैं आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए आलू बॉईल कर लूँगी और आलू बॉईल करने के लिए मैं अपना इंस्टेंट पॉट यूज़ कर रही हूँ। ये सिम्फोनियो ब्रांड से है, मुझे पीआर पैकेज में रिसेंटली रिसीव हुआ है एंड आई एम रियली लविंग दिस इंस्टेंट पॉट। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू चूज़ फ्रॉम, तो आज मुझे सिर्फ आलू बॉईल करना है। प्रेशर कुक करना है तो बस मैं प्रेशर कुक का ऑप्शन चूज़ कर लूँगी और इसमें बहुत ही फास्ट कुकिंग हो जाती है। मैंने काफ़ी सारे आलू लिए हैं, करीबन 10 आलू, तो मैं 15 मिनट्स का टाइमर सेट कर दूँगी और मेरे आलू अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो जब तक मेरे आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं अपना बेसन भी भून के रख लूँगी, क्योंकि जिस दिन आपको एक्चुअल में कुकिंग करनी है ये सब काम अगर आपको करना पड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो ये जो भी आपकी प्री प्रेपरेशंस हैं वो आप एक दिन पहले करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 चम्मच बेसन लिया है जिसे मैं मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लूँगी। और देखिए मेरा बेसन जो है लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, इसमें से खुशबू आने लग जाती है रोस्ट होने के बाद, तो इसे मैं एक कटोरी में निकाल के रख लूँगी कल के लिए। पुलाव के लिए मैं चावल भी बॉईल करके रख लूँगी। नाउ द नेक्स्ट डे द पार्टी डे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कुछ मीठा बनाने से। मैं हमेशा जब भी इस तरीके की कुकिंग करती हूँ तो मैं सबसे पहले मीठा ही बनाती हूँ। तो आज हम खीर बनाने वाले हैं, उसके लिए मैंने 2 लीटर दूध को हाई फ्लेम पे बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। उसमें मैं डालूंगी जवे, तो मैंने 2 लीटर दूध लिया है इसलिए मैं 2 मुट्ठी जवे डालूंगी। यही मेजरमेंट रहती है चावल वाली खीर की भी या फिर जवे वाले खीर की भी, बहुत ही परफेक्ट बन के आती है खीर। उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सैफरन स्ट्रैंड्स और 3 कुटी हुई इलायची फ्लेवर के लिए। और बस अब हम इसे चलाते रहेंगे। बीच बीच में एक थिक बॉटम वाला पैन आप लें जिससे कि आपकी खीर नीचे से जले नहीं, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम कुक होते रहने देंगे। हमें इसे बार बार नहीं चलाना है इसलिए मैं इसे पीछे वाली गैस पे रख दूंगी और पैरेलल कुकिंग करना स्टार्ट करूंगी। तो दूसरी गैस पे उसे मैंने रख दिया है और अब फ्रंट वाली गैस पे मैंने एक और पैन में तेल लिया है, इसमें मैं बनाऊंगी बेसन वाले आलू। बेसन वाले आलू बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है तो इसलिए मैं अराउंड 2 टेबलस्पून्स मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी हींग, जीरा और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा जिससे कि कलर सब्जी में ज़्यादा अच्छा आए। इसमें फिर मैंने डाल दिया है ग्रेटेड जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज। सिंस बच्चे भी ज्वाइन करेंगे हमें पार्टी में तो खाना बिल्कुल भी मैं स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, तो जो माइल्ड स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज होती हैं वही मैं अपनी कुकिंग में आज यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे जिससे कि सभी चीज़ों का रॉ फ्लेवर चला जाए। और उसके बाद हम इसमें बॉइल्ड पोटैटो जो हमने कल करके रखा था उसको कट करके ऐड कर दिया है। और इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, नमक,
और बहुत ही जेंटली मैं इसे मिक्स कर लूँगी जिससे कि मेरा आलू टूटे नहीं। और ध्यान रहे ये आलू हमारा ऑलरेडी पका हुआ है तो हम इसे बस मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि आलू जले नहीं, चिपके नहीं। और बीच बीच में अपनी खीर को भी देखते रहें, चलाते रहें, जिससे कि खीर ना नीचे से जल जाए। तो देखिए आलू 5 से 7 मिनट में और अच्छे से सिक गया है। तो अब मैं इसमें भुना हुआ बेसन जो हमने करके रखा था वो भी डाल दूंगी। अराउंड 6 टीस्पून मैंने ऐड किया है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज दैट आई हैव टेकन, बट आप इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। बस इतना बेसन आप डालिए कि हर एक आलू की फांक जो है वो अच्छे से बेसन में कोट हो जाए। और अगेन मैं बहुत ही जेंटली इसे मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमने मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला था तो बेसन अच्छे से आलू पे कोट हो जाएगा। और मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पे मैं रख दूंगी सिकने के लिए। बीच बीच में आप इसे पलटते रहें जिससे कि आलू जले नहीं। और यहाँ पे देखिए मेरी खीर भी अच्छे से पक रही है, ऑलमोस्ट पक चुकी है। और साइड साइड में जो पैन में खीर लग जाती है वो भी मैं खीर के अंदर ही मिक्स कर देती हूँ। ये मलाई बहुत ही टेस्टी लगती है, मलाईदार खीर बनती है, इसे भी आप मिक्स कर लें इस तरीके से। और खीर जब ऑलमोस्ट पक जाएगी तब इसमें मैं चीनी मिला रही हूँ। तो चीनी की क्वांटिटी बेस्ड ऑन योर टेस्ट होता है, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम। मैंने 2 लीटर दूध में करीबन 1.5 कटोरी चीनी डाली है। और अब बारी आती है खीर को गार्निश करने की। तो इसमें मैंने कुछ आलमंड फ्लेक्स और काजू डाले हैं और पिस्ताचियोस। बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें और फिर इसे ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए गार्निश कर लें। सबसे पहले मीठा बनाया है और अपने लड्डू गोपाल को जिमाऊंगी, उसके बाद ही आगे की कुकिंग फिर मैं कंटिन्यू करूंगी। तो यहाँ पे मेरे आलू भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है और ढेर सारा धनिया। बस इसे जेंटली मैं मिक्स कर लूँगी और हमारे बेसन वाले आलू भी बनके तैयार हैं। बहुत ही यमी लगते हैं, चटपटे, बहुत अच्छे लगते हैं पूरी, पराठे, चावल सभी के साथ खाने में। तो चलते हैं अब अपनी मलाई पनीर बनाने की तरफ। उसके लिए मैंने ये 2 बे लीफ, 3 कार्डमम और 1/2 चम्मच सौंफ और 3 लौंग ली हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नट्स, तो इसमें मैंने नट्स में काजू और थोड़े से बादाम डाले हैं और फिर ग्रीन चिलीज, जिंजर एंड गार्लिक सब रफ चॉप करके डाला है। और अब इसे मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी जिससे कि ये गार्लिक वगैरह का रॉ फ्लेवर चला जाए। फिर इसमें मैंने 1 बिग साइज अनियन एंड 8 मीडियम साइज टमेटोज रफली चॉप करके ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और टमेटोज जब तक मशी ना हो जाएं तब तक थोड़ा सा इसे कुक होने देंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। हमने जो इसमें सौंफ डाली है वो इसे नेचुरली एक मीठा फ्लेवर देगी जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए हमारा टमेटो अच्छे से मशी हो गया है, तो अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और अब चलते हैं आगे की कुकिंग में। तो अब मैं बनाती हूँ शाही पुलाव। मैंने थोड़ा सा घी लिया है, उसमें डाला है जीरा और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे नट्स जैसे कि काजू, बादाम फ्लेक्स और किशमिश। और इसमें मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पनीर भी डाल दिया है और थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि पनीर हल्का सा ब्राउन हो जाए। और उसके बाद जो हमने कल राइस बॉईल करके रखा था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ऊपर से डालूंगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट, ज़्यादा सॉल्ट नहीं जाता है चावल में, तो अब लगभग 1.5 चम्मच मैंने डाला है। और ऊपर से डाला है गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा इसे चरचरा फ्लेवर देगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा खाने में। फिर बस इसे जेंटली मिक्स कर लें जिससे कि जो राइस के ग्रेन्स हैं वो टूटे नहीं। और ये देखिए मैंने इसे ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है धनिया पत्ता से। तो चलिए अब बनाते हैं मलाई पनीर। उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी लिया है, उसमें डाला है जीरा और हींग
और उसके बाद जो हमने प्याज टमाटर भून के रखा था उसकी प्योरी हम इस तरीके से छान लेंगे। आप चाहें तो पहले छान लें और उसके बाद आप डायरेक्ट पैन में ऐड करें, या फिर अगर आपको बर्तन सेव करना है तो गैस को एकदम लो कर दें और डायरेक्ट आप उसी बर्तन में छान लें जिसमें आप सब्ज़ी बना रहे हैं लाइक मी। तो देखिए ये मैंने अच्छे से अपनी प्योरी को छान लिया है। छानने के बाद जो आपकी ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की होगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट का फ्लेवर आपको देगी। थोड़ा सा टीडियस है बट वर्थ द ट्रायल है। उसके बाद एक कटोरी में मैं सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच पनीर मसाला और 1 टीस्पून किचन किंग मसाला मिक्स किया है थोड़ा सा पानी ऐड करके। इस तरीके से जब आप मसाले का पेस्ट बना के सब्ज़ी में ऐड करेंगे तो वो अच्छे से कुक होता है, इवनली कुक होता है और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आपको देगा। तो देखिए मैंने मसाला मिला दिया है और अब थोड़ी देर मसाले को कुक होने देंगे हम। उसके बाद ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें फुल क्रीम मिल्क का यूज़ किया है। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं बट सब्ज़ी की रिचनेस लाने के लिए मैंने इसमें फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है। और जब आपकी ग्रेवी एक बार बॉयल हो जाए तब इसमें आप नमक ऐड कर लें। तो बस ग्रेवी तैयार हो गई है, इसीलिए अब मैंने इसमें लंबा कटा हुआ अपना पनीर भी ऐड कर दिया है। फ्लेम ऑफ कर दीजिए और सब्जी को गार्निश कर लीजिए ढेर सारी कसूरी मेथी के साथ। मैंने इसे डिश आउट भी कर लिया है और ऊपर से थोड़ा सा और इसका लुक इम्प्रूव करने के लिए इसे मैं सेसमे सीड्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई पनीर। अब चलते हैं अजवाइन पराठा बनाने की तरफ। उसके लिए मैंने लिया है वीट फ्लोर, नमक, अजवाइन थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि उसका फ्लेवर प्रोमिनेंट रहेगा पराठों में। उसके साथ मैंने 2 चम्मच मैदा ली है और साथ में लिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो पराठों को बहुत ही सॉफ्ट करेगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें दही लिया है अराउंड 1/2 कटोरी और इसका सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लिया है। और अब मैं एक वेट किचन टॉवल से इसे ढक के रख दूँगी 1/2 घंटे के लिए जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ बूंदी का रायता। तो बूंदी भी मैंने ऑलरेडी सोक करके रख दी थी थोड़े से पानी में। बूंदी सॉफ्ट हो गई है, दही डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसमें नमक और ढेर सारा भुना जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लीजिए अच्छे से और इसकी कंसिस्टेंसी को राइट करने के लिए पानी ऐड कर लिया है। और ऊपर से मैंने इसमें खूब सारा धनिया पत्ता फ्रेशली चॉप करके डाला है जो इसके फ्लेवर को बहुत ही एनहांस कर देगा। और गार्निश करने के लिए भुना जीरा पाउडर। अब बनाते हैं चटनी, जिसके लिए मैंने इमली ली है, इमली का पल्प, जिंजर, गार्लिक और 1 बंच धनिया। और मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर और अब हम इसे सिंपली ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए मेरी चटनी भी बनके तैयार हो गई है। ये स्टार्टर्स भी अगर आप सर्व कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही काम आएगी, टेस्टी भी बहुत लगती है। और ये मैंने बनाया है मूली का लच्छा। मूली घिस ली थी मैंने, इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर और हरा धनिया और मिर्ची डाली है। फिर मैंने डाला है भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और नींबू। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन देसी सैलड बनके तैयार हो गया है। और ये सैलड भी मैंने कट किया है प्याज टमाटर और हरी मिर्च। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है और अब मैं इसे हेक्सागन शेप पराठा बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक लोई ले ली है, अच्छे से डस्ट कर लिया है उसे वीट फ्लोर से। और सबसे पहले मैं इसे गोल गोल बेल लूँगी एक रोटी की तरह और उसके बाद मैं इसके 6 कोने इस तरीके से कुछ फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए एक फ्लावर की शेप में आ गया है। अच्छे से इसे फिर से वीट फ्लोर से डस्ट करके हल्के हाथ से बीच से बेलूँगी जिससे कि इसकी शेप इंटैक्ट रहे। कोशिश करिएगा कि हर दिशा में आप अच्छे से इसे बेलें, अदरवाइज इसकी शेप खराब हो जाती है।
तो देखिए मेरा ये पराठा अच्छे से पिल गया है और मेरे हस्बैंड अभी इसे सेक देंगे। इस वीडियो को बनाने में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हेल्प की है। फ्रंट एंड पे आपने मुझे देखा है कुकिंग करते हुए, बट बैक एंड पे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है इन शॉपिंग, क्लीनिंग द हाउस और गोविंद को रखने में, क्योंकि मुझे पूरा दिन लगा आज कुकिंग करते वक्त, जो आपने 15-16 मिनट की वीडियो देखी है। बट येस, ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट। तो कुकिंग करते करते अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में और हमारा सारा खाना बनके जो है तैयार हो गया है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन सी रेसिपी आपने बनाई। होप करती हूँ आपको आज का डिनर मेन्यू अच्छा लगा है एंड ईजी लगा है टू रिक्रिएट। अगर आप इसमें से कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसकी पिक्चर्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं डेफिनेटली आपकी पिक्चर्स को इंस्टाग्राम पे टैग करूँगी, शेयर करूँगी स्टोरीज़ में। एंड इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। आज के दिन मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी जब मैं ये कुकिंग कर रही थी, सो ही डिड ऑल द चॉपिंग वर्क एट द बैक एंड एंड मैं कुकिंग कर रही थी। और शायद आपको पता चल रहा होगा मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है, बट मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए पुट अप करनी है। तो प्लीज़ अगर आपको इसमें मेरी मेहनत अच्छी लगी है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक बिग थम्स अप दीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ जिनको कुकिंग वीडियोस देखना पसंद है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ आर ब्यूटिफुल फैमिली। और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ एक और नए ब्लॉग वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।